यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ ऐसे रिवाज है, जैसे कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट होती है फर्स्ट टाइम शादी बाद, तो उसका पूरा खर्चा प्रेगनेंसी का सब कुछ मायके वाले ही करना, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड वाला अगर जब प्रेग्नेंट होए तो ससुराल वाले करते, क्या ये सही है इस्लामिक तौर पे? इतना ही है सवाल। जी ठीक है शेख, साहब, आवाज उनकी क्लियर नहीं है, आप मैं थोड़ा। वजाहत कर देता हूँ। शेख सिस्टर का कहना ये है कि उनके यहाँ एक रिवाज है, वो ये कि औरत जब शादी के बाद फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उनकी प्रेगनेंसी के की डिलीवरी का जो खर्चा होता है वो पूरा उसके मायके वाले उठाते हैं, और सेकंड प्रेगनेंसी से, सेकंड डिलीवरी से जो है ससुराल वाले उठाते हैं। तो क्या ये दुरुस्त है शेख इस तरह का अमल? देखिए, हमारी शरीयत ने उर्फ का और आदात का एतबार किया है, बल्कि हमारी फिकह के अंदर जो पांच फिकही कवायद हैं, जिन्हें कवायद कुल्लिया कुबरा कहा जाता है, उन्हीं में से एक कायदा है कि अल आदतु मुहक्कमा। इसका मतलब यह है कि समाज और मुआशरे में अगर कोई उर्फ और रस्मो रिवाज पाया जा रहा है तो हमारी शरीयत उसका एतबार करती है, लेकिन लेकिन उर्फ और आदत और रस्मो रिवाज का एतबार उस वक्त है जब वो शरीयत के किसी हुक्म से टकराए ना। अगर शरीयत के किसी हुक्म से टकराए तो उस रस्मो रिवाज का एतबार नहीं है। जैसे अपने यहां शादियों में जो जहेज का रस्मो रिवाज निकल गया है, तो क्या रस्मो रिवाज बन जाने की वजह से वो जायज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो शरीयत के हुक्म से टकरा रहा है। शादी ब्याह में अपने यहां बेपर्दगी का रस्मो रिवाज आम हो गया है, तो क्या यहां पर इस रस्मो रिवाज का एतबार है? नहीं, क्योंकि ये शरीयत के हुक्म से टकरा रहा है। अब बहन ने अपने सवाल में बताया कि जो पहली प्रेगनेंसी होती है औरत की, ये रस्मो रिवाज है कि उसका खर्चा लड़की के घर वाले यानी उसके मायके वाले उठाएंगे। देखिए, अगर ये उनके ऊपर इल्जामी और इजबारी तौर से ये उनके ऊपर थोपा जा रहा है तो गलत है, तब इस रस्मो रिवाज का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि शादी के बाद लड़की का पूरा खर्चा उसके शौहर की जिम्मेदारी है। जो जो भी जरूरी खर्चा होता है वो उसके शौहर की जिम्मेदारी है। अगर उसके ससुराल वाले, लड़के के ससुराल वाले अपनी तरफ से कर रहे हैं, बगैर किसी दबाव के अपनी खुशी से कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनकी भी बेटी है, वो कर रहे हैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन अगर शौहर ये समझता है कि पहली प्रेगनेंसी का खर्चा उठाना मेरे ससुराल वालों पर जरूरी है और वो ले जाकर के उनके सर पे थोपाए, तब ये जायज नहीं है, तब बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का खर्चा ये उसके जरूरी नामो नफका में आता है, जरूरी खर्चे में, इसलिए उसका खर्चा उठाना शौहर के ऊपर जरूरी है। अगर उसके ससुराल वाले अपनी मर्जी, अपनी खुशी से वो खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, तब कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके ऊपर वाजिब नहीं है।